नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा हम एक्सरसाइज 8 के 26वें प्रश्न पे आ चुके हैं। और बेटा आपका 26वां प्रश्न है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मैं प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप नोट डाल लेना पूरक कोण, आप नोट डाल लेना पूरक कोण। पूरक कोण, और पूरक कोण में आप लिखिएगा जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग, यहां लिख देना, जब दो कोणों का योग कितना हो बेटा 90 डिग्री हो तो वे कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मैं अगर यहां बात करूं कि जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण की बात करूं मैं, तो 40 का पूरक कोण क्या होगा बेटा 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे कि मैं 60 डिग्री के पूरक कोण की बात करूं तो कितना होगा बेटा 30 डिग्री होगा। अब यहाँ अगर मैं किसकी बात करूं, थीटा की बात करूं, तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा बेटा 90 माइनस थीटा। देखो कैसे 40 का क्या था, 90 माइनस 40 कितना आ गया 50 आ गया, 60 का कितना है 30, इसी प्रकार थीटा का कितना होगा 90 माइनस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको कि यहाँ पूरक कोण समझ में आ गया होगा। पूरक कोण का अर्थ होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण आपस में क्या कहलाते हैं बेटा, पूरक कोण कहलाते हैं। अब मैं प्रश्न की बात करूँ कि मीनार के आधार से, अब देखिएगा एक मीनार है, यहाँ मैंने बनाई एक मीनार, मीनार का आधार बिंदु ए है, शिखर बिंदु बी है। मीनार के आधार से दो बिंदु है, जो कि एक बिंदु यहां मान लेता हूं मैं सी, जो कि 4 मीटर की दूरी पर है, ध्यान से समझना इसको, और दूसरा बिंदु है डी, जो कि मीनार के इस आधार बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। और आपस में बिंदु सी और डी मीनार के शिखर से क्या कोण कौन से बना रहे हैं, उन्नयन कोण बना रहे हैं, पूरक कोण। तो यहाँ एक तो कोण ये बनेगा और दूसरा कोण ये बनेगा। अब पूरक कोण की बात करूँ तो बेटा अभी बताया मैंने जब दो कोणों का योग कितना हो भाई 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कोण की बात करूँ, ये वाला है थीटा, तो ये वाला आपका हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए ये वाला मैंने थीटा माना और ये वाला क्या माना बेटा 90 माइनस थीटा। तो आपको प्रूव करना है कि मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, आपको ये सिद्ध करना है। बट हमने माना मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मान ली भाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर है h मीटर। अपने को सिद्ध करना है कभी मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। अब दूसरा देखिए कि मीनार के आधार से बिंदु C व D की दूरी 4 मीटर व 9 मीटर है।
अर्थात AC बराबर है 4 मीटर और AD बराबर है 9 मीटर। AC बराबर आपका 4 मीटर है और AD बराबर कितना है भाई, 9 मीटर है। अब वहाँ देखिएगा आपके उन्नयन कोण क्या बन रहे हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। वह उन्नयन कोण थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहे हैं। आपके उन्नयन कोण है वो थीटा और 90 माइनस थीटा बन रहे हैं। अब मैं त्रिभुज लेता हूँ, सबसे पहले BAC, त्रिभुज BAC में वही बात है बेटा, टैन थीटा बराबर लंब देखिए क्या है AB और आधार क्या है AC, तो थीटा आपका टैन थीटा ही रहेगा और AB आपका H है और बटे में 4। समीकरण क्या होगी भाई, 1। यहाँ मैंने AB और AC की वैल्यू रख दी। उसी प्रकार अब मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज BAD में टैन, अब थीटा देखो कितना है यहाँ, 90 माइनस थीटा बराबर आपका लंब कितना है भाई AB और आधार क्या है AD। अब आप मुझे जल्दी से बताएं, याद कीजिएगा पिछली एक्सरसाइज को कि टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो यहाँ आ गया कोट थीटा, AB कितना है बेटा H और AD कितना है 9। समीकरण क्या हो गया 2, इधर समीकरण 1 हो गया। इस त्रिभुज से हमने समीकरण 1 निकाला, टोटल त्रिभुज से समीकरण कितना निकाला भाई, 2 निकाला। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड की एक तरफ गुणा करेंगे, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा और बराबर में यहाँ बोलो क्या है भाई, एच बटे में 4, इधर आ गया एच बटे में 9। लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ, राइट हैंड साइड को एक तरफ। अब याद कीजिएगा सातवीं एक्सरसाइज को कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको अच्छे से लिखवाया भी था, 1 बराबर एच की स्केयर बटे में 9 चौके 36 और यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच स्केयर बराबर आ गया 36, तो एच बराबर आ गया √36 और रूट को सोल्व करेंगे, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, बट कभी भी इसकी ऊंचाई माइनस में नहीं आएगी, इसलिए एच का मान कितना आ गया बेटा, 6 मीटर। एच का मान कितना आ गया, 6 मीटर। और हमें यही सिद्ध करना था कि इस मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब बेटा एक बार फिर से देखिएगा, आपकी एक मीनार दी गई है AB, जहाँ मीनार का आधार बिंदु A है, शिखर बिंदु B है और मीनार के आधार बिंदु के सामने 2 बिंदु स्थित है। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पे है, दूसरा बिंदु आपके 9 मीटर की दूरी पे है और दोनों आपस में उन्नयन कोण पूरक कोण बना रहे हैं। पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो भाई, 90 डिग्री हो, तो वे पूरक कोण कहलाएंगे। अब यहाँ आप देखिएगा, अब अपने को प्रूव करना है कि मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। अब बेटा सीधी सी बात है कि मीनार की ऊंचाई AB मैंने क्या मान ली भाई, h मीटर मान ली और मीनार के आधार बिंदु कौन सा है, बिंदु A से मीनार के बिंदु C व D की दूरी 4 मीटर और 9 मीटर है। मतलब AC और AD आपका 4 और 9 मीटर है। सबसे पहले त्रिभुज लिया मैंने BAC, तो टेन थीटा बराबर AB बटे में AC, टेन थीटा बराबर H बटे में 4, समीकरण 1 ले लिया। और दूसरा BAD में लिया तो टेन थीटा कितना है बेटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों क्या है पूरक कोण है, एक थीटा तो दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब यहाँ टेन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कोट थीटा, एच बटे में 9। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा किया, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ किया, राइट हैंड साइड को एक तरफ किया, तो आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान आ गया 1। एच को एच से किया, एच स्केयर 9 जो कि 36, एच स्केयर बराबर 36, तो एच बराबर √36, अर्थात आपका आ गया प्लस का 6।
ठीक है बेटा, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ। और दूसरा ध्यान देना, आप ये थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा ले सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर कितना आने वाला है भाई, 6 आने वाला है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, अगर आप रेगुलर क्लास लगा रहे हैं तो दिक्कतें नहीं आ रही है आपको, मुझे पता है, क्योंकि एक एक प्रश्न करवा रहा हूँ, अच्छे डिटेल से पूरा करवा रहा हूँ। अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। और बेटा, अगर आप एक दिन में 5 क्लासें लगाते हो, फिर लगाते ही नहीं हो, तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं आपको। अब देखिए, फिर कोई बच्चा अगर रेगुलर क्लास लगाता है, उसको कोई डाउट आता है, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो प्रश्न आपको करवा दूंगा। एक लड़की ने पीछे कमेंट किया था कि सर मुझे 8वां क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम्पल का। बेटा, आप निश्चिंत रहें, जब मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा तब आपका एग्जाम्पल नंबर 8 करवाऊँगा, ठीक है। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद हम जितने भी इसके डाउट हैं वो डाउट क्लियर करेंगे, और आप मुझे बताएं कमेंट में डाल के कि आप में कौन कौन से प्रश्न में डाउट आता है, तो आपको मैं निश्चित तौर पे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आपका प्रश्न संख्या है 27, आपका 27 नंबर प्रश्न है कि सड़क के एक ओर मीनार है, दूसरी ओर मकान स्थित है। अब देखो बेटा, ये वाली एक सड़क है, ध्यान से समझना, एक सड़क है बी सी, इसके एक और मकान है। मैं ये मकान ए बी मान लूं, जिसका शिखर बिंदु तो मकान का क्या है बेटा, ए है, और इसका आधार बिंदु क्या है, बी है, और एक और मीनार स्थित है, ये मान लेता हूं मैं सी डी मीनार है, जहां मीनार, अब देखिए मीनार का आधार बिंदु तो बेटा आपका सी है, और शिखर बिंदु क्या है, डी है। अब आगे देखिए कि मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब सुनो, इस मीनार के शिखर पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि मकान के शिखर पे देखता है यहां से, तो अवनमन कोण बनाता है 45 डिग्री, और मकान के इस आधार बिंदु को देखता है तो अवनमन कोण बनाता है 60 डिग्री। बेटा, ऊपर से देख के नीचे देख रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है, पलके झुका के देख रहा है तो अवनमन कोण बनाएगा, वह मकान के शिखर बिंदु पे देखता है तो आपका अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री, और यहां मकान के आधार को देखता है तो अवनमन कोण बनेगा 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आगे दिया गया है कि यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, यदि मकान की ऊंचाई है वो आपकी है 12 मीटर, और ये आपकी है 12 मीटर, मकान की ऊंचाई है 12 मीटर, तो फाइंड कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब सुनो, माना मीनार सीडी व मकान ए बी है, जहां मकान की ऊंचाई 12 और ये देखो बेटा, ये ए बी और ये आपस में बराबर होगा कि नहीं, ए बी बराबर है 12 मीटर, और मीनार की ऊंचाई यहाँ सी डी है, मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर है 12 प्लस में, ये यहाँ तक तो 12 आ गया, और ये मान लिया मैंने एच मीटर, 12 प्लस में एच मीटर है, और अवनमन कोण 45
45 डिग्री और 60 डिग्री है। अवनमन कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब सुनो, मैं त्रिभुज लेता हूँ ए ई डी। त्रिभुज ए ई डी में टैन थीटा बराबर लंब देखिए क्या है डी ई और आधार क्या है ए ई। अब सुनो बेटा, ये आधार मैंने क्या मान लिया एक्स मीटर, यहाँ लिख देंगे ए ई बराबर है x। अगर ये x है तो BC भी कितना होगा x मीटर, और उसके बाद DE है वो होगा h मीटर। तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री, और आपका DE है वो h है AE है x। तो tan 45 का मान 1 होता है, x x बराबर आ गया h। ये हो गया समीकरण एक। समीकरण एक हमने त्रिभुज लिया ए ई डी और इसमें लिया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। दूसरा देखिएगा, मैं त्रिभुज लेता हूँ डी बी सी। त्रिभुज डी बी सी में टेन थीटा बराबर डी सी बटे में बी सी है, टेन 60 डिग्री बराबर डी सी। डी सी देखो कितना है, डी सी आपका है 12 प्लस एच, और बटे में बी सी कितना है एक्स रूट तीन बराबर में 12 प्लस एच बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रूट तीन एक्स बराबर है 12 प्लस एच। समीकरण दो में एक का मान रखने पर तो आपका आ गया रूट तीन, एक्स की जगह रख दिया एच, बराबर है 12 प्लस एच। इस एच को इधर ले गया तो आपका आ गया रूट तीन एच माइनस एच बराबर 12, और एच कॉमन ले लिया आपका आ गया रूट तीन माइनस एक बराबर 12, और h बराबर आ गया, दिखाई दे रहा होगा h बराबर आ गया 12 बटे में रूट तीन माइनस एक। अब बेटा h बराबर आपका आ गया 12 बटे में रूट तीन का मान होता है 1.732 माइनस एक, तो h बराबर आपका है 12 बटे में 0.732, और 12 को अगर हम 0.732 से भाग देते हैं तो अपना आता है 16.393 16.393। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है सीडी, मीनार की ऊंचाई है सीडी, सीडी बराबर होगा 12 प्लस एच था ना, तो आपका 12 प्लस 16.393, और 12 में 16.39 6 और 2 8 1 और 1 2.393 मीटर, और मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बेटा 28.393 मीटर। अब देखिए दोबारा से समझाता हूँ आपको, अच्छे से ध्यान से समझना। ये वाला एक मकान है, ये वाला एक मीनार है, एक सड़क के दोनों तरफ है। इस मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 12 मीटर, और कोई व्यक्ति मीनार के ऊपर खड़ा है जो मकान के शिखर को देखता है तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, और मीनार के आधार को देखता है तो 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो अपने को ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। अब बेटा ये मैंने x मान ली तो ये भी x होगी, और ये मान लिया h, ऊपर वाला त्रिभुज लिया ए ई डी, तो आपका टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो टेन 45 बराबर एच बटे में एक्स, तो टेन 45 का मान होता है एक एच बटे में एक्स, एक्स बराबर है एच। दूसरा देखिएगा डी बी सी में लिया तो यहाँ देखिए फिर टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, लंब आपका आधार ये एक्स है तो ये भी कितना होगा बेटा एक्स मीटर। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर 12 प्लस एच बटे में कितना है बेटा एक्स है। अब यहाँ टेन 60 का मान रूट तीन है, 12 प्लस एच बटे में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया रूट तीन एक्स बराबर 12 प्लस एच।
फिर समीकरण ये था एक, इसमें मान रख दिया, मतलब x की जगह क्या रख दिया, h रख दिया, तो रूट तीन एच बराबर 12 प्लस एच। अब h को इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया भाई, माइनस हो गया, तो रूट तीन एच माइनस एच बराबर है 12। एच ले लिया कॉमन, अंदर बच गया रूट तीन माइनस एक, इधर गुणा में तो इधर आते ही क्या आ गया भाग में, रूट तीन की वैल्यू होती है 1.732 माइनस का एक, एच बराबर आ गया 12 बटे में 0.732, इसको इससे भाग दिया तो आ गया 16.393, तो सी डी बराबर आ गया 12 प्लस एच, तो आपका एच का मान था 16.393 मीटर। तो सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ टोटल आ गया इस मीनार की ऊंचाई है 28.393 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप ये दोनों प्रश्न अच्छे से करना, डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है बेटा, और कल करेंगे, थैंक यू।